पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस में आपसी खींचतान और बढ़ गई है। ऐसे में पार्टी की फजीहत तब और होती है जब कोई नेता कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बने हुए 1 साल हो गया, लेकिन इस बारे में कुछ पता नहीं कि पार्टी पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने के लिए तैयार है भी या नहीं। कुछ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस विचार को पुरजोर समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस भले ही ये तय ना कर पा रही हो कि उसका अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन उसके तमाम नेता ये उम्मीद पाले हुए हैं कि 2014 और 2019 की लगातार 2 पराजयों के बाद भी हम 2024 में सत्ता में आ जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे 2004 में आ गए थे। सवाल है कि ये क्या संभव है? लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अब युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कांग्रेस में अकेला गांधी परिवार है जिस पर कार्यकर्ता शर्त लगा सकते हैं कि वो महात्मा गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा के सामने समर्पण नहीं करेगा। तमाम कमजोरियों के बावजूद कांग्रेस अब भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो मानते हैं कि राहुल गांधी इतिहास की पुकार है। लेकिन क्या किसी नए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम और जमीनी गतिशीलता के बगैर इस पुकार को एक ठोस जनाधार में बदला जा सकता है? बिल्कुल, उसे जनाधार में बदला जा सकता है, मगर केवल युवा नेताओं को तरजीह देकर ही कांग्रेस अपनी गाड़ी को रफ्तार दे सकती है। किसी भी संगठन में कार्यकर्ताओं के जूझने की 2 वजहें होती है, एक तो विचारधारा, दूसरी स्वार्थ। केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का निजी स्वार्थ पूरा करने का ज्यादा सामर्थ्य नहीं बचा है, और जो कार्यकर्ता विचारधारा की वजह से हैं, उनके सामने भी स्थिति अमूर्त है। जिस नई आर्थिक नीति और उदारीकरण की नीति को कभी कांग्रेस ने शुरू किया था, मौजूदा सरकार उसे ही बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ा रही है। कांग्रेस की ओर से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने की चाहे जितनी आलोचना की जाए, मूल नीतियों की ना तो कोई समीक्षा की गई है और ना ही उन्हें उलटने का कोई प्रस्ताव ही है। ये सच है कि उसने संगठन में दलील और पिछड़ी जातियों को हाल के दिनों में ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जाति उच्छेद के कार्यक्रम को अपनाने या निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसी मांग करने का साहस उसके पास नहीं है। कांग्रेस का गांधी परिवार के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन आखिरकार इसका क्या मतलब है कि परिवार ही ये तय नहीं कर पाए कि पार्टी की कमान किस सदस्य को सौंपी जाए? क्या इस असमंजस का कारण ये है कि पार्टी नेताओं का एकजुट राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? जो भी हो, ये मानने के अच्छे भले कारण है कि सोनिया गांधी उस वक्त का इंतजार कर रही हैं जब पार्टी के सभी प्रमुख नेता एक स्वर में ये कहें और ये मांग करने लगे कि राहुल गांधी के फिर से पार्टी अध्यक्ष बने बगैर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। इसलिए लंबे समय से यह अनिर्णय की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन कब तक मुश्किल ये भी है। ऐसा होना आसान नहीं, क्योंकि पार्टी की गुटबाजी सबके सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।